हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिएगा, आज यूपी एपीओ का आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है और यूपी एपीओ के एग्ज़ाम को हम लोग रिव्यू करें और साथ में इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी एपीओ के जीएस पार्ट को लेकर चर्चा करूंगा और जीएस पार्ट की इसमें आंसर की भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो बच्चों का फीडबैक अभी मिलना स्टार्ट हो गया और जो पेपर हम लोगों ने पढ़ा है तो ज़्यादा ईजी भी पेपर नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल मॉडरेट पेपर है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ट्रेडिशनली आए हैं और कुछ नए तरीके के पैटर्न, थोड़ा सा जैसे लगातार यूपीपीएससी में पैटर्न चेंज कर रहा है, जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उनका लगातार जो वर्षा उससे बढ़ता जा रहा है। दो तीन क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड आए हैं, अभी मैं आप लोगों को डिस्कस करेंगे इस पर और साथ में हम बताएंगे कि टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से जो कौन कौन क्वेश्चन ऐसे जो लगे हैं। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन है हमारी, मेरा पढ़ा हुआ आया, द 10 मिलियन ड्रीम्स पुस्तक है सुभाष चंद्र गर्ग की। इसके बाद हरित क्रांति के शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो देखिएगा उनका नाम है विलियम गोंड, ये आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन आते हैं। वर्गीज कुरियन वर्ल्ड में जनक माना जाता है और एम एस स्वामीनाथन को भारत में, 1966 में ये हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर इंग्लिश मीडियम वाले आप देखते रहना, निम्न में से किसने एहोल अभिलेख में एलोल इंस्क्रिप्शन की रचना की थी, तो इसका आपको बताना है, तो इसका है ए रवि कीर्ति ने, ठीक है। निम्न में से किसने मार्च 2000 में 8वीं बार जो है एशियन बिलियर्ड्स टाइटल जीता है, तो उनका नाम आप लोगों को पता ही होगा, बस केवल एक याद नाम रखना है, पंकज अडवाणी जी हैं। नंबर 5 है फैदोमीटर, ये जो है डीप ऑफ सी की बात करते हैं, सागर की गहराई की माप करते हैं, ठीक है। भारतीय इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की बात कर रहे हैं जो बर्लिन में बनी थी, तो इसमें पूछा है कि भैया इसमें जो किसने इसको बनाया था, तो लाला हरदयाल जी इसमें साथ थे, 3 लोग और थे इसमें, तो लाला हरदयाल जी हैं इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा ये मैचिंग दिया है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम इसका जो सही आंसर है वो है सी, आप लोगों को याद रखना है कौन सा, सी, क्लियर है। इसके बाद क्योंकि मैं जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग बस आंसर की मैच करते जाइएगा, बाकी इसका और डिटेल एनालिसिस सॉल्व वीडियोस में हम अच्छे तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय ब्लास्टिक मिशल सरमत, देखिएगा करंट अफेयर में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये रूस का है, ठीक है। इसके बाद है माउंट किलिमंजारो के बारे में बताया, अफ्रीका, हाँ ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हो चुका है हमारी तरफ से, तो ये अफ्रीका की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी और इक्वेटर पर, ये वेरी वेरी गुड है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय बीमा क्षेत्र में संविधान, तो ये तो 7वीं सूची के सीधा सीधा आपको पता लग ही गया होगा, ठीक है। इसके बाद है नंबर 11 क्वेश्चन, और 11 है समुद्री ज्वार का कारण क्या है, तो एक ही है बस, ये अर्थ और मून के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण परस्पर क्रिया होती है, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 12 की सीधी सीधी बात है, वो है आपको देखिएगा, ये जब मैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहे थे उसमें पूछे, मूत्र जो बृहद्रथ की हत्या कर दी थी इसने, सुंग वंश की नींव इसने रखी थी, तो ये हम लोग पढ़ते हैं। और इसने जो है, क्योंकि ये यवनों को पराजित करके ये जो है काफ़ी आर्यंस की ओर लौटा था, यानी हिंदू धर्म की ओर लौटा था, और इसने अक्षमेघ यज्ञ भी कराए थे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका दोनों ही ठीक होंगे, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखिएगा, ये कुछ नदियों के नाम है और कुछ शहरों के नाम है, इनके मैचिंग करने हैं, तो यहाँ पर बस सी आप लोगों को देखना है, यानी ए का कॉलोन जो है वो राइन नदी पर है सीधा बस, बाकी और इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बात आपको पता है, ये प्रोवाइड डायरेची डबल शासन प्रणाली की बात करता है, दोहरी शासन प्रणाली की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, अगर हम 15 की बात करें मोटे तौर पर, तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि धन विधेयक, ये तो आपको पता ही होगा 110। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अप्रैल में, देखिएगा किस तैर, ये फीना संस्था है और ये जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन, उनकी रैली में भाग लिया था, इनका नाम है एवनी रायलोव, ठीक है। ये रूस के तैराक हैं, इन्हें प्रतिबंधित कर दिया। वर्तमान में हेडलाइन मुद्रा स्थिति पर आधारित है भारत में, देखिएगा वो है CPI, याद रखेंगे, कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित है, ये ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है युग्मों का सही सुलमित बताना है आपको 18 में, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है अभी हमारी तरफ से पेंडिंग में है ये, तो इसका हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, या मैं चैट में इसको पिन कर दूंगा अभी। 19 की बात करें, ये गांधी वर्सेस लेनिन, तो ये किसने 19 का आंसर बताना है, तो ये थी ऐसे डांगे की पत्र था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताना किसके कितने सही हो लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसका भी ऑप्शन बी होगा, तारीख रसीदी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 में 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन, देखिए केसी नहीं होगी पहले थे, तो यही गलत है इसमें, बाकी सही है।
और ये जॉर्ज विटेड ने क्या मुंबई गेटवे ऑफ का जो आर्किटेक्चर थे, समुद्री घास महत्वपूर्ण आयोडीन के स्रोत जो है आयोडीन है, और पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण शेरशाह सूरी ने, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, देखिए कई बार करा चुका हूँ मैं आप लोगों को, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा 26 का डी इंडीज है, ठीक है। और नेक्स्ट है 27, 27 है 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है, राष्ट्रीय मान, देखिए मैंने सुबह ही आपके ग्रुप में डाला था, ये डेट गलत है, 12 अक्टूबर इसकी जगह, बाकी ये ऑप्शन 2 ठीक है इसमें, कि केवल ये वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैचिंग करना करानी है आपको 29 का, तो 20 सिरंगरी रामपुर जो है श्रावस्ती में नहीं है, ये फरुखाबाद में, ठीक है। निम्नलिखित से किस देश में सीमा कैस्पियन से, देखिए इसका पिक्स में कई बार पब्लिक ग्रुप में भी डाल चुका था, कैस्पियन से लगने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं नहीं है, तो भैया इसमें 30 का जो है वो सी उज्बेकिस्तान बाउंड्री नहीं बनाता है, ठीक है। 1887 में जो है इलाहाबाद, देखिए ये मैंने कराया था आप लोगों को, अब 87 की बात आ रहा है, डफरिन डफरिन यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय, तो यही ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही होगा। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया लेक, ये तो पता ही है, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का 34, कौन से प्रशांत महासागर की नहीं है, बेंगुला, ठीक है। और दिसंबर 20 में ये किसने रखा था, तो भैया 35 आप लोग याद रखेंगे, सी आर दास ने प्रस्ताव रखा। 1897 विद्रोह किसने किया था, बेंजामिन डिजराइल ने, राष्ट्रीय विद्रोह। अब देखिए कुछ ये आपके आर्टिकल हैं, इनको मैचिंग करके हमें जो है बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें 37 में तो कौन सा गलत है, राष्ट्रपति सचिवालय नहीं होता है ये, प्रधान वो संसद का सचिवालय होता है यहाँ पर 98 में। ये कुछ सूची है और इसको मैचिंग करना है, 38 का डी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी आप लोग मैचिंग कर लेना। डी का फर्स्ट है यहाँ पे पल्लव कांचीपुरम हो जाएगा, सी का टू वारंगल काकतीय, और बी का 3 यादव का देवपुरी और पांडे का मदुरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ। नेक्स्ट है 39, तो 39 में डॉपलर प्रभाव की वजह से जो पुलिस स्पीड नापती है गाड़ियों की, वो इसलिए डॉपलर इफेक्ट की वजह से। 40 में भैया दोनों ही ठीक है, ठीक है, ये आप लोग याद रहे, इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी लास्ट दिनों जब क्लास में जो बच्चे ले रहे थे, कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर दोनों सही होते हैं या फिर नहीं होते, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी की बात है। 41 की बात करें तो डी है, सीधे तौर पर दोनों ही हैं इसमें भी। और श्वेता लंगेश्वर, देखिएगा ने दादा साहब पुरस्कार मिला, ये ठीक है, लेकिन प्रणब मुखर्जी तब जी ने नहीं दिया था, ये गलत है, ठीक है, तो केवल ये ही सही होगा। इसके बाद है हमारा 43 आते हैं, यूक्रेन की राजधानी देखिए ये है, डाइनीपियर नदी पर है, नीपियर नदी पर। और देखिएगा विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टी को देखा था, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जो है ना 6 सीट मिली थी ना कि 5। जन्मदर बताना है कि नागरिकों जन्मदर को कम करने में सहायक नहीं बल्कि बढ़ती है, तो ये गलत है इसका, हाँ ये वाला सही है इसका, केवल 2 सही हो जाएगा 45 का। और बात करें 46 का, तो 46 में बताना है मई 2000, देखिए मनोज पांडे तो मैं कई बार आपको करा ही चुका हूँ। और अगर हम बात करें 47, तो 47 देखिए दो बातें हैं 47 का, आप याद रखेंगे इसका सीधा आंसर है सी, यानी दोनों ही सत्य हैं, पर ये और ये एक ही जो व्याख्या करते हैं, जेनेटिक्स के बारे में बता रहे हैं, माता पिता और संतानों से आता है ये, और उनके लक्षणों का अध्ययन है, बिल्कुल सही है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया, ये भी सही है, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा डाउट भी है, तो एक बार इसको पेंडिंग में रख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए 48 देखते हैं, 48 का ये तो सबको पता ही होगा। और 49 अगर हम देखें तो जियामो कास्त्रो होंडा रूस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। और 50 लास्ट है, ये तो कई बार मैं जैन जब पढ़ाते हैं तो जैन के नोट्स भी उसमें लिखा है, भगवती सूत्र, ठीक है। तो ऑलमोस्ट टारगेट फॉर आई क्यू से अगर हम कहें तो लगभग अभी जो हमें क्वेश्चन मिल चुके हैं 26 ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे भगवती सूत्र है, ये होंडा रूस वाला है, तो 26 क्वेश्चन अभी तक हमें पता लग चुके हैं आउट ऑफ 50 में से, जो हमारे कंफर्म नोट्स में से आए हैं अभी, और मैं रिसर्च करा रहा हूँ उन पर पता लगा रहे हैं, तो हम इसके डिटेल जो आपको पब्लिक ग्रुप में भी देंगे। और अभी इस पार्ट टू में लाकी आंसर की आ रही हैं, तो उसको भी हम लोग अभी रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए किसके कितने नंबर आए, ठीक है। थैंक यू।